जट रो पिया सिरी दे गल लग के लिया तंगली नसीबां नूं फरोली सिरी दे जट रोवे बोला विचों नीर बगिया लिया तंगली लिया तंगली नसीबां नूं फरोली के ओ तूड़ी विचों पुत्ती जगिया लिया तंगली बरसात हो रही है तां हालात देखो कणक दे की हो चुके है जिथे कि मान सरकार ने एक वड्डा वादा किया कहिंदा कि पटवारे नूं कहता कि तुसीं गुरदौरियां करो पर अजे तक जमीनी पद्धर ते गुरदौरी करन ना तो कोई तहसीलदार ते ना कोई पटवारी पहुंचिया। जेकर उदों पहलां दी गल करिए तां जदों झोने दी बिजाई कहिंदे कि सीधी बिजाई करो तो 1500 रुपया असीं देवांगे अजे तक उह वी खात्यां दे विच नहीं आया। पर कुदरत दी मार एक बार फिर पै गई है। तस्वीरां देखो बड़िया आसा होणगियां किसान वीरां दे क्योंकि किसानी तो ही सारा कुछ शुरू होंदा है। जदों जट दे जेब किसान दे जेब चार पैसे होंदे दुकान ते जांदा है तां कारोबार अगे चलदा है। पर हालात अज किस तरह दे हो गए कुदरत दे अगे किस दा जोर नहीं है तां हालात देखो कणक हालात हो चुके कि पूरी तरह खराब हो चुकी है कणक तां इह पाणी खड़ा है विच तां इहदे विचों की निकलूगा। जिथे कि सरकार कह रही है जेकर 50% कणक खराब होंदी है तां 6000 प्लस मुआवजा दिता जाएगा जेकर ज़्यादा होंदी है तो 15000 ना तो 6000 दे नाल कुछ राहत मिलेगी तो ना ही 15000 रुपए दे नाल। नुकसान बहुत ज़्यादा होया कई थावां ते जमीन दे जो ठेके आ 60-65 हज़ार रुपये किसानां ने वो लै के खेती की है। तो इस बार पूरी किसानी की तस्वीर दर्दनाक है। हालात तुहाडे सामने है तो परमात्मा अजे भी सिर के उपर अजे भी बारिश लगातार हो रही है तो कणक जगह तक कितों तक देखोगे ये पूरी तरह विछी हुई है। हालात इस तरह बन गए इस तरह का मंजर है कि देखो कबूतर किस तरह कणक खा रहा है। ये तस्वीरों तुम देख सकते हो कबूतर कणकों खा रहा होर पंछी कणकों खा रहा दर्दनाक तस्वीर ने। कहिंदे जट खुद खुशियां करता है तो खुद खुशियां क्यों करता खुद खुशी वैसे कोई राह नहीं है पर जदों 60-65 हज़ार रुपये ठेके की जमीन ली हो सिर ते करजा हो कहिंदे जट होर करूगा की तो ये हालात ने बहुत दर्दनाक तस्वीर ने ये अगे तक तस्वीर देखो तो धा निकल जाती है एक बार देख के पुत्तां वांगू पाली फसल किस कदर ये रुल रही है और किस कदर ये पंछी जानवर कबूतर चुग रहा है विचों ये हालात है। कुदरत दे अगे किसी का जोर नहीं और सरकार जो साड़ियां सरकारां वड्डियां वड्डे 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 दावे करदी है तां अज किसानां दी बांह फड़नी लाजमी है जरूरी है तां जो किसानी अजिहे राह ते ना तुरे जो काफ़ी खतरनाक होवे। एक पुत अपने प्यो तो दूर होवे ते प्यो अपने बच्चों तो दूर होवे तां बहुत हालात दुखी ने। देखो किस तरह किस कदर कबूतर चुग रहा तो धरती के उपर कणक पूरी तरह विछी हुई है। जिस तरह मैं पहला कहा कि मान सरकार ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि पटवारी हफ्ते के अंदर अंदर गुरदौरियां करनगे पर जमीनी पद्धर से ना तो पटवारी पहुँचे है ना तहसीलदार पहुँचे है कोई गुरदौरियां नहीं हुई अजे तक कोई भी किसानों की हाथ अजे खाली दे खाली है। जदों झोने की सीधी बिजाई की ड्रैल किसी ने कह रहा पंजाबी शब्दों में मैं दसा तो कि जो रफड कद्दू कराया जाता तो उस तरह यानी कि कहने नहीं सी किया सीधी बिजाई की 1500-1500 रुपया जो खात्यां विच मान सरकार ने कहा अजे तक उ खात्यां दे विच नहीं आई। जलंधर के जिमनी चोण का जो बिगल वज्या तो वादे फिर दोबारा शुरू हो चुके हैं। पूरी सियासी पार्टियां जोर ला रही हैं बड़े बड़े वादे उही पुरानियां कहानियां तुहाडे सामने फिर पेश होणगियां सरकार जे कोई भी होवे पर अन्नदाता दे की हालात है वो तुहाडे सामने है। एक तुहाडे अगे बेनती है वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ तां जो जमीनी हकीकत जो साडे लीडर है जे गर्मी होवे तां एसीआं दे विच बैठदे जे ठंड पै जाए तां उत्थे भी हीटर लगे होंदे आ उत्थे जो बैठे तां उहनां दे कन्नां दे विच कोई माड़ी मोटी खबर कोई आवाज़ पहुँच सके क्योंकि वड्डे वड्डे टीवी चैनलों ने इहो जिहियां खबरां कदे कवर नहीं करनियां गियां सिर्फ TRF लिए काम करते हैं। तो साड़ी एक कोशिश होंगी है कि किसानी के पल्ले कुछ पवे आम जनता के मुद्दे तुहाडे तक पहुँचाए जाए और सरकारी नज़र दे विच कुछ ना कुछ
ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ